आपका, सारा मेहनत बेकार। अब आप बोलोगे नहीं बर्थडे तो स्पेशल होता है, कपल्स में तो विश करना ही चाहिए। अरे भाई आप बाबू जी हो उसके, या आप मतारी हो, अरे उस दिन वो पैदा हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि जब आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो मतलब करते हो, ठीक है, मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हो अपने पार्टनर से, तो उस अप्लाई करने के दौरान अगर बीच में आपके पार्टनर का बर्थडे आ जाए, ठीक है, तो क्या विश करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं अच्छा खासा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा था, बीच में उसका बर्थडे आ गया, ठीक है, तो मैंने विश कर दिया, क्या मैंने सही किया, या बर्थडे आने वाला है तो क्या मुझे विश करना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों में, क्योंकि बहुत लोग, आप लोग ही मैसेज करते हो और कुछ मेरे क्लाइंट्स भी बताते हैं यार मैंने बर्थडे विश किया था, तब से वो मैं अच्छा खासा नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर रहा था, बर्थडे विश किया तो बस वो फिर से भाव खाना स्टार्ट कर दिया। आप समझ रहे हो ना, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यार देखो, सबसे पहले वो लोग जिनको नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है वो पता नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले जाकर मेरा ये वीडियो देख लो। ठीक है, इस वीडियो का बहुत पहले बनाया था, कम से कम 2 महीने पहले, ठीक है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले वो वीडियो देख कर आओ फिर ये देखना, ठीक है। लेकिन जिनको पता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, ठीक है, वो वीडियो देखो अच्छे से। यार एक चीज़ बताओ, अब मन में अगर ये चीज़ आ रहा है कि साला यार बर्थडे विश करूं कि नहीं, अबे विश करके क्या होगा है? मान लो आप अच्छा खासा 2 महीने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किए, उसका आ गया जन्मदिन, ठीक है, उसको विश कर दिए, क्या उखाड़ लिए, उस दिन भले वो खुश हो जाएगी, ठीक है, और उस दिन हो सकता अच्छा से प्यार से बात कर ले, थैंक यू, ठीक है, उसके बाद वापस उसी ट्रैक पे फिर एटीट्यूड दिखाने लगेगी या दिखाने लगेगा, अरे क्या बर्थडे क्या हो गया, नहीं उसके बर्थडे में क्या ऐसा हो गया, 10 लाख का लॉटरी मिल गया उसको विश कर दिए तो। अरे भाई नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब फिर क्या रह गया, नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब उस दिन ना, मतलब ना कॉल करना ना मैसेज करना है, ना कॉल अटेंड करना ना मैसेज अटेंड करना है, ठीक है, वो अटेंड करने में भी भाव खाना है, यानी कि एक बार मैं आ गया तो, ये वीडियो मैंने पहले बताया, मैं ज़्यादा इस मतलब क्या बोलूँ डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है, मेरा वीडियो देख लेना, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब उसको बर्थडे विश कर ही दिए तो काहे का नो कॉन्टैक्ट, यार क्या नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो बताओ, हो सुना है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वो 1 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगा। भाई देखो, आपका पार्टनर आपसे एटीट्यूड दिखा रहा था, ठीक है, आपने उस दिन उसको बर्थडे विश किया, ऑब्वियस ही बात है वो प्यार से बात करेगा उस दिन, क्योंकि उस दिन कोई भी किसी को विश करता ना वो अच्छे से थैंक यू बोलता है या कुछ भी, तो उस दिन आपको अच्छा फील होगा, लेकिन औकात तो उसके बाद से दिखाना स्टार्ट कर देगा ना वो, समझ रहे हो ना, वापस उसी सिचुएशन में आ जाओगे। यार दो, मान लो कि 2 महीने से नो कॉन्टैक्ट वो मतलब फॉलो कर रहे हो उससे, ठीक है, अब उसको बर्थडे विश कर दिए, सारा मेहनत कचरा हो गया आपका, सारा मेहनत बेकार। अब आप बोलोगे नहीं बर्थडे तो स्पेशल होता है, कपल्स में तो विश करना ही चाहिए, अरे भाई आप बाबू जी हो उसके, या आप मतारी हो, अरे उस दिन वो पैदा हुई थी, ठीक है, 20 साल पहले उस दिन वो पैदा हुई थी, मतलब उसको ना खाने आता, वो जब इस दुनिया में आई थी उस दिन तो उसके माँ बाप खुश होंगे ना यार, आप क्यों माँ बाप बन रहे हो। ठीक है कपल्स में होता है बर्थडे विश करना, तो कि हैप्पी बर्थडे, ठीक है, वो भी इंतज़ार कर रही होगी, 2 महीने से आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे होगे तो वो एक्सपेक्ट कर रही होगी, मुझे पता है, या कर रहा होगा कि वो विश करेगा। मत करो, उसको और झटका लगेगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि विश करेगा। अब आप नहीं विश किए तो उसके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चला गया, मतलब अगेंस्ट चला गया, ठीक है, उसके खिलाफ हो गया, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ उसको मिला नहीं, तो ये बहुत बड़ा झटका मिला उसको, ये तो और अच्छी बात है, आप बर्थडे विश कर रहे हो ना, तो ये तो बहुत बड़ा डिस्परेशन हो गया, समझे। अब इसमें भी एक कंडीशन है, अगर गलती आपकी है,
गलती आपकी हुई थी, ठीक है, आप इसको गाली दे दिया था अपने पार्टनर को, ये वो, और आपकी गलती होने के बावजूद आप खुद नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, फिर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लायक नहीं हो, क्योंकि आपने गलती की। आप एक नेगेटिव, मेरा वो वीडियो देखना, आप एक नेगेटिव स्टैंड लेके नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो फिर इसमें आप बर्थडे विश कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना। अगर सामने वाले पार्टनर का ही गलती है, वो आपको बेमतलब का एटीट्यूड दिखा रहा था या आपकी कदर नहीं कर रहा था, तो मजबूरन आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे थे, तब आपको बर्थडे विश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा डेस्परेशन है, ठीक है, अगर आप विश करते हो, ठीक है। इसमें ना बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, और भी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि बहुत लोग ना मैनिपुलेट करके वीडियो बनाते हैं, मैंने देखा है और भी यूट्यूबर्स का, ठीक है, बहुत लोग अच्छा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं मत विश करो, लेकिन बहुत लोग ना मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग मतलब आप लोग कंट्रोल कर नहीं पाओगे, ठीक है, तो वो लोग कैसे मैनिपुलेट करके वीडियो बनाते हैं कि यार देखो, ठीक है, तुम भले ही नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, लेकिन है तो कितना भी पार्टनर ना, ठीक है, विश कर सकते हो। अरे भाई, कैसे विश कर सकता हूँ यार, वो एटीट्यूड दिखा के गया, पूरा घमंड, मतलब वो मेरे को उल्टा सीधा बोल के गया। आपको ही पता है कि उसके बाद फिर वही होने वाला है, वही वापस वही फेस चलेगा आप लोग का, मनमुटाव, लड़ाई, झगड़ा, ये वो, तो क्यों वापस वो चीज़ पे, मतलब वो चीज़ को, मतलब वो कंडीशन लाना चाह रहे हो आप समझ रहे हो ना भाई, बिल्कुल नहीं जमेगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से क्लियर नो। अरे बर्थडे ही है ना यार, कौन सा ऐसा, मतलब एकदम तोप हो गया वो दिन, उस दिन जन्म हुआ है उसका, ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या हो गया, वो भी एक दिन है, गुजर जाएगा, ठीक है भाई। आप ना शॉर्ट टर्म के लिए ना लॉन्ग टर्म चीज को मत भूल जाओ, नो कॉन्टैक्ट एक लॉन्ग टर्म का चीज़ है, ठीक है, आपका एक माइंडसेट ना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है, उसको गड़बड़ मत करो शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए, ठीक है। ये बर्थडे आया क्या है, शॉर्ट टर्म है, कुछ एक दिन का चीज़ है, इसके बाद क्या होगा, क्या हासिल होगा आपका, वो देखो, ठीक है।